दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। राजधानी शिमला के मंदिरों में जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर बाजारों में रौनक कम ही दिखी। शिमला के प्रसिद्ध राधा कृष्ण गंज बाजार को इस अवसर पर सुंदर फूलों व रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया था। इस मौके पर शिमला के मंदिर बंद रहे, हालांकि भक्तों के लिए मंदिर के फाटक पर राधा कृष्ण के दर्शन करने के लिए पोस्टर लगाए गए थे। मंदिर परिसर में पुलिसकर्मी लोगों पर नजर रखे हुए थे, साथ ही लोग सामाजिक दूरी का पालन करें इस बात को भी सुनिश्चित किया जा रहा था। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मैं शिमला के नगरवासियों को सबको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और आज कोविड-19 के चलते क्योंकि मंदिर के पटद्वार बंद हैं, इसलिए जो गर्भगृह का चित्र है वो हमने मेन दरवाजे पे लगा दिया हुआ है। और लोग क्योंकि आज के दिन बहुत ज़्यादा रश होता था, लेकिन लोग इस कोविड-19 के चलते सोशल डिस्टेंस को बना के आज अलग अलग से सोशल डिस्टेंस के साथ मत्था टेक रहे हैं। और मैं ठाकुर जी महाराज के चरणों में ये अरदास करता हूं कि जल्दी से जल्दी हमें इस कोविड-19 से करें, जिससे मंदिर के पट द्वार खुल जाए। है क्योंकि निराशा इसलिए कहते हैं कि 100% बस सर्विस कर दी है, लेकिन मंदिर खोलने में गवर्नमेंट क्यों इतना डिले कर रही है, इसके लिए थोड़ा सा लोगों में रोष है। लेकिन जो जिलाधीश के निर्देश है हम उसका पालन करते हुए सोशल डिस्टेंस को बना के, जो हर साल जन्माष्टमी के टाइम में जिस ढंग की डेकोरेशन अंदर मंदिर द्वार में और अंदर फूलों के साथ सजाया जाता है, वैसे ही सजाया गया। बाहर का प्रांगण भी सजाया गया है। और सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से हम तीन तीन लोग जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो बाहर खड़े हैं और उसका ध्यान दे रहे हैं, और चारों तरफ से कैमरों से उनको वो किया जा रहा है। सनातन धर्म में जितने भी व्रत आते हैं वो अपने आप में सब महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत है वो इसलिए खास बन जाता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमारे आराध्य हैं, और आराध्य होने के साथ साथ हम सबके मन में बसे हुए हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत लेने से हम सबके भय कष्ट दुख व्याधि और मानसिक संताप दूर होते हैं, और भगवान कृष्ण का जो है वो 16 कलाओं से पूर्ण हैं। उन्होंने देखे जेल में जन्म लिया, और लेकिन फिर भी अपने जीवन में ऐसी रचनाएं की उन्होंने जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण का जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, वो महत्व ये है कि भगवान ने अनेक कष्ट भी सहे, लेकिन फिर भी अपनी मर्यादा से कभी भी दूर नहीं हटे, और हमेशा विश्व को ये दिखाने के लिए कि आप पे चाहे कितनी भी विपत्ति आए, लेकिन आप कभी भी गलत मार्ग पर उसका अनुसरण मत करें। और जन्माष्टमी का जो व्रत है वो हमारे मन में नया उत्साह और नई स्फूर्ति लाता है, और मन के जितने भी संताप हैं उनको दूर करता है। जितने भी शिमला शहर के जितने भी भक्तजन हैं उन सबसे यही कामना है कि अपने घरों में सब हर्षोल्लास से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं और सावधानी पूर्वक मनाएं। कारण कि समय कोरोना महामारी जैसा एक महामारी बीमारी चली हुई है, इससे मंदिर में देखो कई वर्षों से बहुत भव्य प्रोग्राम चलता था, लेकिन इस महामारी की वजह से मंदिर के कपाट भी बंद हैं, और कपाट बंद होने से लोग दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए लोग घरों में जो अपने आराध्य हैं उनका पूजन मानसिक रूप से भी कर सकते हैं, या फिर जो लड्डू गोपाल हैं उनका श्रद्धा भाव से पंचामृत आदि से स्नान करते हुए और श्रृंगार करते हुए भगवान का पूजन करें और भगवान का उत्सव मनाएं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए शिमला से मोनिका बंसल की रिपोर्ट।
पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, देरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।